नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं फोर का फायर। जी हां, प्राइम टाइम का अर्ली बुलेटिन जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। कहां पर क्या हुआ, कहां किसने क्या कहा, हर खबर पूरी फैक्ट और रिसर्च के साथ में, वीडियो सबूतों के साथ में होगी आपके सामने। बने रहिए अगले एक घंटे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बीबीसी पर इनकम टैक्स विभाग के सर्वे के बाद देश में सियासी पारा हाई क्यों है? अमित शाह ने विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा क्या दावा किया है कि विपक्ष परेशान हो उठा है? जेडीयू के सांसद ने सेना के शौर्य को लेकर ऐसा क्या कहा कि बिहार से दिल्ली तक खलबली मची हुई है? आगे वीडियो सबूतों के जरिए पूरी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। हिंदुस्तान में सनातन को टारगेट करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने फिर से सनातन धर्म पर हमले का की सुपारी ले ली है। पहले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री और अब पंडोकर सरकार को चुनौती दी है। पूरी खबर क्या है ये आपको बताएंगे। बात करते हैं वैलेंटाइंस डे की, तो इस बार सूरत के छात्रों ने वैलेंटाइंस डे को खास बनाने का प्लान बनाया है। दरअसल सूरत के कुछ छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद खास तोहफा देना चाहते हैं, जो एक गोल्ड प्लेटेड रोज बुके है जिसमें लगे सभी गुलाब गोल्ड के बने हुए हैं। गोल्डन गुलदस्ता, उसमें लगे सोने के गुलाब, ये खास तोहफा है जो वैलेंटाइन डे के दिन पीएम नरेंद्र मोदी को देने के लिए बनाया गया है। गोल्डन प्लेट रोज देखने में बेहद ही खूबसूरत है। इस बुके में 25 कैरेट के 151 गोल्डन प्लेट रोज लगे हैं। दरअसल वैलेंटाइन डे पर सूरत के छात्रों ने इसे तैयार किया है। पीएम को खास तोहफा देने के लिए इन छात्रों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसों को संजो कर गोल्डन प्लेट रोज का बुके तैयार किया, क्योंकि हर वैलेंटाइन हम हमारे प्यार करने वालों के प्रति उनके लिए कोई स्वीट जेस्टर्स करते हैं, पर इस वैलेंटाइन हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद देना है उन्हें, जो उनकी उन्होंने जो दिन रात एक करके मेहनत की है इस देश को अव्वल नंबर पे लाने की, उनकी जो ये कोशिश है। अपने हार्ड वर्किंग और देश को अव्वल बनाने में जुटे पीएम मोदी के फैंस में छात्र भी शामिल हैं जो पीएम को अपनी प्रेरणा भी मानते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक से तेंदुए के रेस्क्यू का एक वीडियो जो है सामने आया है जो वाकई हैरान करने वाला है। जी हां, दरअसल कुएं में गिरे तेंदुए की जान बचाने के लिए वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी सफलता नहीं मिली, तो एक महिला ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए तेंदुए की जान बचाई। हाथ में बंदूक लिए एक महिला पिंजरे में कैद है जिसे चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। तस्वीर हैरान करने वाली है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस पिंजरे में महिला बंद है उसके ठीक बगल में एक कुआं भी दिख रहा है। लोग यहीं नहीं रुकते, कुछ देर की बातचीत के बाद रस्सी के सहारे महिला समेत पिंजरे को कुएं में डाल दिया जाता है। दरअसल दंग और हैरान करने वाली तस्वीर कर्नाटक के कतील इलाके की है, जहां महिला ने बहादुरी दिखाते हुए कुएं में गिरे तेंदुए की जान बचाई है। पिंजरे में जो महिला कैद है उसका नाम डॉक्टर मेघना डाट है, जबकि जिस कुएं में तेंदुआ गिरा था वो कुआं बेहद ही गहरा था। ऐसे में कुएं के अंदर उतरे बिना तेंदुए का रेस्क्यू करना संभव नहीं था, जिसे देखते हुए डॉक्टर मेघना ने पिंजरे में कैद होकर कुएं के नीचे जाने का प्लान बनाया और वन विभाग के कर्मचारियों की मदद से अपने इस अभियान में सफल भी रही। डॉक्टर मेघना के हाथ में जो बंदूक है असल में वो एक ट्रैंक्विलाइज गन है, जिसकी मदद से डॉक्टर मेघना ने पहले तो तेंदुए को बेहोश किया, फिर उसे कुएं से बाहर निकाला गया। और अब बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका से हिट एंड रन का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक ट्रक ड्राइवर ने फुटपाथ पर एक साथ कई लोगों को रौंद डाला। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए ट्रक ड्राइवर ने इस हादसे को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीर देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सामने से आ रहे इस ट्रक को देखिए, बेकाबू ट्रक तूफान रफ्तार से फुटपाथ पर चढ़ जाता है और वहां मौजूद लोगों को बेरहमी से रौंद डालता है। दंग और हैरान कर देने वाली हिट और रन की तस्वीर को एक बार फिर देखिए। देखिए पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर अपने ट्रक को कैसे फुटपाथ पर चढ़ा देता है। पार्किंग में लगी गाड़ियों को कुचलता हुआ ट्रक ड्राइवर वहां मौजूद लोगों को भी अपनी चपेट में लेता है। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है पुलिस की एक गाड़ी भाग रहे ट्रक का पीछा कर रही होती है। घटना न्यूयॉर्क के बेरिज इलाके की है, जहां हिट एंड रन मामले में एक पुलिस अधिकारी समेत 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी है। हालांकि पुलिस चेकिंग से बचकर भाग रहा एक ट्रक आगे जाकर इमारत से टकरा जाता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो
तुर्की है सीरिया अमेरिका के बाद न्यूजीलैंड पर भी कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ चक्रवाती तूफान लोगों की जान ले रहा है। यहाँ चक्रवाती तूफान और बाढ़ बारिश के चलते न्यूजीलैंड के कई शहर जलमग्न हो चुके हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली भी गुल है। लहरकारी चक्रवात के चलते न्यूजीलैंड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने कई शहरों में आपातकाल भी लागू कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड पर कुदरत का कहर बरपा है। प्रलयंकारी चक्रवात के चलते कई शहर पानी में डूब गए। हैरान कर देने वाले इस नजारे को देखिए। बाढ़ की वजह से सड़क समंदर बन चुका है। सड़क पर पानी का सैलाब बह रहा है। जहां जहां तक नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ बारिश के चलते सब कुछ जलमग्न है। घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है, जबकि चक्रवात के कारण कई पेड़ जड़ सहित उखड़ गए। सड़कों पर सिर्फ तूफान से गिरे पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। तबाही और बर्बादी के बीच ऑकलैंड के अधिकांश हिस्से में बिजली गुल हो गई है। सड़क यातायात ठप हो चुका है। सारी ट्रेनें रोक दी गई है, जबकि स्कूल कॉलेजों को बंद कर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। वहीं कुदरत के इस प्रलय को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, ताइराहिती, बे ऑफ प्लेंटी, वाइकाटो और हॉक्स बे जैसे शहरों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। 8 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन मलबे के बीच अभी भी जिंदगियां बचाने की जंग जारी है। कई ऐसे चमत्कार भी हो रहे हैं जिसे देखकर आंखों पर भरोसा नहीं होता है। बच्चे अब भी मलबे के ढेर से जिंदा बाहर निकाले जा रहे हैं। वीडियो सबूतों में तस्वीर। तुर्की और सीरिया को खंडहर में तब्दील हुए 8 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। इन 8 दिनों में हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 39,000 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का आंकड़ा 1,00,000 के पार चला गया है। इस तस्वीर को देखिए, रेस्क्यू टीम खुश दिख रही है, तालियां बजा रही है, क्योंकि भूकंप आने के 8 दिन बाद 6 साल की बच्ची को सुरक्षित बचाया गया है। भूख और प्यास से बच्ची की हालत खराब है, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। हर पल जिंदगियां मलबे के ढेर से बाहर आ रही हैं, लेकिन लाशों का भी अंबार लगा है। सिर्फ इंसान ही आपदा से प्रभावित नहीं है, बल्कि जानवर भी बेहाल हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये एक माँ की है जिसने अपने मुंह में दबा रखी है अपने बच्चे की लाश। इंसानों को दफनाने वाले कम पड़ रहे हैं, ऐसे में जानवरों का कौन ध्यान दे। आपदा की हर तस्वीर रुलाने वाली है, विभीषिका की हर कहानी दिल दहलाने वाली है। भूकंप की वजह से तुर्की पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मलबे में दबे शवों को निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। सीरिया में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। भूकंप के चलते अपना घर बार खो चुके लोगों के सामने खाने पीने की भी गंभीर चुनौती है। मलबों के ढेर में दबी जानों की सलामती की आस लगभग खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौत के मलबे से अब भी शवों का अंबार लगा है, जिन्हें निकालने का काम दिन रात जारी है। हालांकि जिंदगी की तलाश में खत्म होती आस के बीच कुछ चमत्कार भी हो रहे हैं। 8 दिन बाद भी मलबे में दबी कुछ सांसें चल रही हैं। इस वीडियो को देखिए। मलबा हटाते समय रेस्क्यू टीम को अचानक कुछ आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई कंक्रीट के अंदर से मदद की गुहार लगा रहा था। फिर क्या था, रेस्क्यू टीम उस आवाज के सहारे उस शख्स को बचाने में जुट गई। तबाही और बर्बादी के बीच सीरिया के हालात और ज्यादा खराब है। लोग अपना सारा सामान खो चुके हैं। खाने के लिए लोगों के पास राशन तक नहीं बचा, जबकि जो सहायता सीरिया पहुंच रही है वो नाकाफी साबित हो रही है। घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी महिलाओं और बच्चों को खाने का सामान नहीं मिल पा रहा। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप ने शहरों को खंडर बना दिया है। लाशों का अंबार लगा है, लेकिन रेस्क्यू टीम जिंदगी की उम्मीद नहीं छोड़ रही है। अभी कई करिश्मे हो रहे हैं, अभी मलबे से कई लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है। ये किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। प्राकृतिक आपदा से निपटने में पूरी दुनिया तुर्की सीरिया की मदद कर रही है, लेकिन खंडहर और मलबे से निकल रही लाशें रूह कंपा रही हैं। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 33,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन रेस्क्यू टीमें अभी भी जिंदगी बचाने के लिए मलबे में जद्दोजहद कर रही हैं। भूकंप के 6 दिन बाद रविवार को बचाव कर्मियों ने एक गर्भवती महिला और 2 बच्चों समेत कई लोगों को मलबे से जिंदा निकाला। अंटाकिया में रविवार को रेस्क्यू टीम ने एक युवक को जिंदा निकाला। 23 साल के सर्वाइवर का नाम हुसैन सैफे रोगलू है। बचाव कर्मियों ने जब उसे बाहर निकाला
तो उसने हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। टूटी इमारतों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सुरक्षाकर्मी रात दिन मेहनत कर रहे हैं जिंदगी के लिए। हालांकि इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन तुर्की में लोग हर वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता देते हैं, सर्वे के दौरान बीबीसी दफ्तर का एक नया वीडियो जो है वो सामने आया है। बीबीसी दफ्तर के अंदर का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें बीबीसी का एक कर्मचारी और आईटी अफसर जो वहां पर पहुंचे थे सर्वे करने के लिए, उनके बीच में बहस होती हुई दिखाई पड़ती है। गेट कौन खुलवा रहा है? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सीट हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब अंदर किया हम लोग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो इधर, आराम से तो बात करो। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप तक से 10 मिनट से। गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सीट हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब अंदर किया हम लोग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो इधर, आराम से तो बात करो। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप तक से 10 मिनट से। गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सीट हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब अंदर किया हम लोग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। दरअसल आयकर विभाग ने दिल्ली और मुंबई में आज अचानक से धावा बोलते हुए बीबीसी दफ्तर को सील कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी दफ्तर पहुंची टीम कागजों और कंप्यूटर डेटा का सर्वे कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। बीबीसी के दफ्तर पर चल रहे सर्वे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीबीसी दफ्तर में आयकर का ढेरा, दिल्ली मुंबई ऑफिस का एक साथ सर्वे, दफ्तर में कर्मचारियों की एंट्री बंद, सभी फोन और मोबाइल स्विच ऑफ। दिल्ली के केजी मार्ग पर जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, ये बीबीसी का दफ्तर है, जहां आयकर विभाग की टीम के करीब 25 से ज्यादा अधिकारी एक साथ पहुंचे और बिल्डिंग के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया। बीबीसी कर्मचारी कुछ समझ पाते, अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों के फोन जब्त कर लिए। जिस वक्त दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई, ठीक उसी वक्त बीबीसी के मुंबई वाले दफ्तर पर भी आयकर विभाग की टीम दस्तक दे चुकी थी। दोनों शहर के बीबीसी दफ्तर पर इस समय इनकम टैक्स विभाग का सर्वे जारी है। कार्रवाई आयकर विभाग की है, लेकिन इस पर भी सियासत हावी हो चुकी है। आईटी के सर्वे को कांग्रेस जहां छापा बता रही है, वहीं पार्टी के नेता जयराम रमेश इस कार्रवाई को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देख रहे हैं। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हकीकत में यूपी में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, लेकिन सियासत में कामयाब होने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दबाव में राहुल का प्लेन वाराणसी में उतरने नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस के आरोपों की हवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ ही समय में निकाल दी। कैसे, वीडियो सबूतों से दिखाते हैं आपको पूरी खबर। कांग्रेस पर एक बार फिर झूठ फैलाने के आरोप लगे हैं। इस बार वाराणसी एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कांग्रेस के बयान और राहुल गांधी के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किन्नूर से उड़े राहुल गांधी के विमान को वाराणसी उतरना था, लेकिन बीजेपी के दबाव के चलते प्लेन को वाराणसी में लैंड नहीं होने दिया गया। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था, प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था, पर आज ये यहाँ पर अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और अस्पति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वाराणसी एयरपोर्ट पर चक्कर काटने के बाद प्लेन को वापस लौटना पड़ा और राहुल गांधी को प्रयागराज में निजी कार्यक्रम में पहुंचना रद्द करना पड़ा। हालांकि एयरपोर्ट के निदेशक का कहना है कि एयरक्राफ्ट ऑपरेटर को रात 9:30 बजे बताया गया कि किन्नूर से उड़ा विमान जिसमें राहुल गांधी सवार हैं, वो अब सीधे नई दिल्ली जाएगा और राहुल गांधी का वाराणसी आना रद्द हो गया है। और इस बीच बड़ी खबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बनाए सुपरसोनिक एडवांस कॉम्बैट ट्रेनर प्लेन का लगा बजरंग बली का स्टिकर विवाद के बाद हटा लिया गया है। कल एरो इंडिया शो के आगाज के मौके पर HLFT-42 की टेल पर बजरंग बली का स्टिकर दिखा था और इसके बाद स्टिकर को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। सोशल मीडिया पर तस्वीर खूब वायरल भी हुई थी और अब टेल से स्टिकर और उसके साथ लिखे मैसेज स्टॉर्म इज कमिंग को हटा लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि HAL का HLFT-42 पहली बार एयर शो में दिखाई दिया। ये अगली पीढ़ी का सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि भविष्य में ट्रेनिंग के लिए अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही युद्ध के हालात में ये खुद फाइटर एयरक्राफ्ट का काम भी करेगा
और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए ये वो टेल जिस पर बजरंग बली की तस्वीर थी और इसकी टेल पर किस तरीके से एक मैसेज भी लिखा गया था, लेकिन इसके बाद खूब बवाल हुआ जिसके बाद अब स्टिकर को हटा लिया गया है। एरो इंडिया शो का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा HLFT-42 का एयरक्राफ्ट, जिस पर जो बजरंगबली की तस्वीर लगी थी वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि निकाल दी गई है। आप अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको दिखाए कि वो जो तस्वीर थी यहाँ पे जिस पर बजरंगबली की बाकायदा एक तस्वीर लगी हुई थी और जिस पर लिखा है कि स्टॉर्म इज कमिंग यानी तूफान आ रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पर भी जो है काफ़ी चर्चा हुई थी। और अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस सोशल मीडिया पर जिस तरह से इसका जिक्र हुआ और कंट्रोवर्सी जिस तरह से इस पर देखी गई, कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और उसके बाद अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है बजरंगबली की तस्वीर निकाल दी गई है। HLFT-42 की अगर बात करें तो सुपरसोनिक कम्बैट फाइटर ट्रेनर है ये, जहाँ पे दो पायलट जो है एक साथ इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस्ड फाइटर ट्रेनर जो है ये बहुत ही साबित होने वाला है भविष्य में। लेकिन जिस तरह से संकट मोचक की तरह ये फाइटर ट्रेनर जो है वो काम करेगा, क्योंकि ना सिर्फ ट्रेनिंग के तौर पर बल्कि युद्ध के हालात में ये खुद एक जेट की तरह, एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह भी काम कर सकता है और उसे इसीलिए इस तरह से तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात आपको दिखाएंगे कि टेल पर जो बजरंगबली की तस्वीर थी वो हटा दी गई है। सवाल हमने HAL से किया था कि क्या इसके पीछे कंट्रोवर्सी के कारण जो है इसे हटा दिया गया, तो हालांकि HAL की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन आपको इस तरफ भी ले चलते हैं और यहां पर भी आप अगर आपको दिखाएं दोनों ही तरफ टेल पर जो है ये तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर निकाल दी गई है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर ये तस्वीर जो है वो क्यों निकाली गई, ऐसी तस्वीर जो कि चर्चा का विषय बना था, तूफान की कहीं ना कहीं एक स्वागत की बात ये एयरक्राफ्ट करता दिखाई दिया, बहुत ही एडवांस्ड ये एयरक्राफ्ट और साथ ही ट्रेनर एयरक्राफ्ट ये, लेकिन अब इस तस्वीर को जो है यहाँ से निकाल दिया गया है। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, टाइम्स नाउ नव भारत, बेंगलुरु। और HLFT-42 से बजरंगबली के स्टिकर को हटाने को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत से HAL ने कहा कि चर्चा के बाद स्टिकर हटाने का ये फैसला जो है वो लिया गया है। चर्चा में स्टिकर हटाने पर सहमति के बाद एक कदम उठाया गया। HAL के CMD ने नवभारत को बताया कि पहले स्टिकर इसलिए लगाया गया था क्योंकि इससे पहले ट्रेनर विमान का नाम जो है वो मारुति, यहां पर मारुत जो है वो रखा गया था। देश की सेना के शौर्य पर एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं। जी हां, इस बार JDU के पूर्व सांसद ने सेना के शौर्य को कमतर बताया है। दरअसल गुलाम रसूल ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया और कहा कि मुसलमान ही सिर्फ सेना को ताकत दे सकते हैं। अब बीजेपी ने JDU पर पलटवार किया है, पूरी खबर दिखाते हैं आपको। JDU नेता गुलाम रसूल बलियाबी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अगर आतंकियों से निपटने में डर लग रहा है तो फौज में सिर्फ 30% मुसलमानों के बच्चों को जगह दें। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह देंगे। सवाल यह है कि आतंकियों से प्रधानमंत्री नहीं देश की सेना लड़ रही है, तो क्या JDU नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं? सेना देश की होती है, सैनिक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बलियाबी सेना पर भी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू सैनिकों का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि गुलाम रसूल के विवादित बयान से JDU ने करने काट लिए हैं। जो लोग ऐसा बयान देते हैं वह राजनीति में भाषा ही उन्माद हो सकता है, पार्टी से उसका कोई लेना देना। वोट की राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी खतरनाक है। JDU प्रवक्ता ने बाबा रामदेव पर लश्कर ए तैयबा से संबंध होने का भी आरोप लगाया है। हिंदुस्तान में सनातन को टारगेट करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने फिर से सनातन धर्म गुरु पर हमला बोला है। श्याम मानव ने बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री के बाद पंडोखर सरकार को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए एक लेटर भी जारी किया है। हालांकि पंडोखर सरकार ने श्याम मानव की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके सभी आरोपों का जवाब भी दिया। देखिए पूरी खबर। ऐसा लगता है कि अर्धश्रद्धा निर्मूलन ने सनातनी धर्म गुरुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब पंडोखर सरकार को अर्धश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी है।
श्याम मानव ने पंडोखर सरकार को चुनौती के नाम पर 20 जनवरी को एक लेटर जारी किया था, जिसमें लिखा गया कि चुनौती की प्रक्रिया नागपुर में होगी या खुला मंच नहीं बल्कि मीडिया के सामने करेंगे। इस चुनौती पर पंडोखर सरकार श्याम मानव पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि श्याम मानव अपना आदमी भेजिए, सारे सवालों के जवाब उनको मिलेंगे। इस पर श्याम मानव ने कहा कि मैं जनवरी में ही टीवी चैनल की डिबेट में खुली चुनौती दे चुका हूं। पंडोखर सरकार नागपुर आ जाएं और चुनौती स्वीकार कर लें। आपको बता दें कि श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जनजागृति प्रचार समिति के सह अध्यक्ष हैं। वो पिछले दिनों चर्चा में आए थे जब उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शिकायत नागपुर में पुलिस से की थी, हालांकि उनके दावों को पुलिस ने खारिज कर दिया था। आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बार फिर से बहस छिड़ी है। श्याम मानव ने पंडोखर महाराज को चुनौती दी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, स्वयं पंडोखर सरकार हैं। महाराज, ये जिस तरह की चुनौती आपको मिली है, एक लेटर है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, उनके द्वारा, श्याम मानव के द्वारा जारी किया गया है, चुनौती दी है कि वो 10 लोगों के नाम बताएंगे और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं उसमें, और 30 लाख के इनाम की भी बात कही है, क्या जानकारी है आपको, क्या आप तक पहुंची है ये चुनौती? देखिए, चुनौती तो हमारी उसी दिन हमने उनको दे दी थी कि हाँ, मैं आपका चुनौती स्वीकार करता हूँ। लेटर जारी की करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरी पॉइंट ये है कि आप नागपुर में क्यों, क्या आपका इतना ही दिमाग चलता है कि नागपुर तक सीमित रहता है? क्या वो भोपाल में नहीं आ सकते? क्या उनके भारतवर्ष में क्या और संस्थाएं नहीं है? क्या उनका और किसी संस्था से टाइप नहीं है? यदि है तो मैं भोपाल में उनका सहज निमंत्रण स्वीकार करना चाहता हूं। आप उनकी संस्थाओं से परिचित हो तो उनको कॉल करिए और कहिए दरबार में आए, दरबार देखिए, मैं बुलाऊंगा और जिसको भी चयन करेंगे उनके बारे में मोतोड़ और मुखर होकर जवाब दूंगा और उनकी बत्ती गोल कर दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, आप ही की तरह पर्चा बनाते हैं या उनका एक अपना स्टाइल है, उनको लेकर के आपका क्या मानना है? वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना, भारतीय सनातन की रक्षा की बात करना, इसमें तो चाहे हमारा विरोधी भी करे, हमारा जो सनातन को गालियां देता रहा हो कभी और वो आज कहे कि नहीं सनातन की जय हो, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो सनातन को पहचाना। तो धीरेन्द्र भैया या अन्य लोग जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ गुरु शरण का समर्पण है, उनके लिए समर्थन है, उनके लिए सहयोग है, तन मन धन संपूर्ण प्रकार से सनातन को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमारा समर्पण है। और सभी शिष्यों से भी अपील करते हैं सब राष्ट्र हित में सहयोग करें। तो पंडोखर सरकार अलग अलग विषयों पर बात कर रहे थे और खुद को जो चुनौती श्याम मानव की ओर से दी गई है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरन कमलेश के साथ मकरन काली, टाइम्स नाउ, नव भारत। लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में महाराष्ट्र सरकार एंटी लव जिहाद कानून लाने की तैयारी में है। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस का फैसला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दूसरे स्तर में शादी करने वालों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। महाराष्ट्र में जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो राज्य में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसके चलते सरकार लव जिहाद कानून लाने की तैयारी में है। बीजेपी विधायक काफी समय से इस कानून की मांग कर रहे हैं, लिहाजा सरकार जल्द ही राज्य में अधिनियम पेश कर सकती है। सरकार देश के दूसरे राज्यों में बने लव जिहाद कानूनों का फिलहाल अध्ययन करने में जुटी है, उसके बाद नया ड्राफ्ट तैयार होगा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने धर्म से बाहर शादी करने वाली लड़कियों को लेकर एक कमेटी बनाई थी। इस समिति का नाम अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह परिवार समन्वय समिति था। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में लव जिहाद कानून लागू है। उत्तर प्रदेश में 1 साल से 10 साल की सजा और जुर्माना, मध्य प्रदेश में 10 साल की सजा और जुर्माना, महाराष्ट्र में कानून लागू करने की तैयारी है तो वहीं कर्नाटक में भी कानून लागू करने की तैयारी है। दरअसल देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं, तो कई स्टडी कर रहे हैं और जल्द ही कानून लाने की तैयारी में हैं, ताकि लव के नाम पर कोई किसी को धोखा ना दे सके। और सीधा आपको हरियाणा के करनाल लिए चलते हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो एक संबोधन दे रहे हैं। पार्टी का अध्यक्षता में डरता था कि मनोहर जी को लेने के देने न पड़ जाएं, मगर उन्होंने दृढ़ता के साथ इसको लागू किया और आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है जहां पर पढ़ी लिखे पंच सरपंच।
बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा विरोध झेलने के बाद भी मनोहर लाल जी बहुत इस पर बहुत दृढ़ रहे हैं और इस पर बहुत दृढ़ रहे हैं और इसका नतीजा भी आया है। आज देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश अगर कोई बना है तो हरियाणा बना है। मैं इसके लिए भी मनोहर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धुआं मुक्त प्रदेश, केरोसिन का उपयोग जीरो करना इनिशिएटिव लिया, एक विचार था, करना बहुत कठिन था, मैं तो जानता हूं, मैं राज्य सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मनोहर जी ने देश का पहला धुआं मुक्त राज्य हरियाणा को बनाने का काम किया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर हरियाणा को सात अर्थ में धुआं मुक्त करने का काम किया। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम भी सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो हरियाणा में हुआ। सर्वाधिक ODF प्लस गांव अगर किसी एक राज्य में है प्रतिशत में तो हमारे हरियाणा के अंदर है और हरियाणा की विकास दर, मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर आज 10% है। 10% विकास दर जिन राज्यों का